सेल्फ के लिए हमारा होता है। अब इसको जो है हम लगा देते हैं गरारी को। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनएस मैकेनिकल में। तो गाइस, आज हम टाइमिंग चेन को रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। जैसे ये हम नया लगाएंगे और ये बिल्कुल जेन्युइन है, 290 रुपये का है। तो गाइस, किस तरीके से सेटिंग करना चाहिए, स्प्लेंडर में तो काफ़ी इजी है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में काफ़ी कठिनाई है। कठिनाई यही है कि जैसे भी इसका जरा सा भी आउट दाता होती है तो वाल क्या होता है, हेड का टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना गाइस, इस तरीके से मैंने कितनी बार देखा है टाइमिंग आउट लगाते हुए। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे टाइमिंग चेन लगाने के लिए। ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से धीरे धीरे इसको इन करेंगे। देखिए सिंपली ये जो है आ गया, इसको लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना, ये हमारा बैठ गया। इसकी पत्ती, ये पत्ती को यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आठ की गोटी से इसे टाइट करना पड़ेगा। इस तरीके से पत्ती सेट हो गया गाइस। अब देखिए यहाँ से हम टॉप करेंगे। टॉप कैसे करना है, कैसे लगाना है, पूरा एकदम आपको दिखाते हैं। ये काटर, ये इसके सीधे में रहता है, ये समझो टॉप है, मैग्नेट लग गया। अब जो है गाइस, ये सेल्फ के लिए हमारा होता है। अब इसको जो है हम लगा देते हैं गरारी को इस तरीके से। अब ये हमारा छोटा सा बूस होगा, इसको लगाना है। उसके बाद ये वार्सल लगेगा, उसके बाद इस नट को टाइट करना है अच्छे तरीके से। लूज रहेगा तो काटर टूट जाएगा। अब ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब जो गाइस, इस कवर को ढक देंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसको लगाना है यहाँ पर, फिर इसको लगाना है, फिर ये सारा बोल्ट डाल देना है। अब गाइस, यहाँ पर क्या है, टी लिखा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये और ये वाला बिंदी और ये वाला टॉप हो गया। अब यहाँ पर टी आपको दिखना चाहिए, टी जो है गाइस अब हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक बिंदिया ऊपर चला गया। ठीक है ना, जब हमने उस तरीके से मिलाया तो आउट हो गया। फिर से मिलाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से आपको लूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला एक दाता ऊपर गया है, तो ये क्या है, इससे एक दाता नीचे आना चाहिए। अब जो है गाइस, बिल्कुल सेम हो गया, ये वाला जीरो वाला और ये वाला, और यहाँ पर टी लिखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो गाइस, अगर आपको दोबारा भी टाइमिंग मिलाना पड़े तो टाइमिंग को अच्छे तरीके से मिलाना है, नहीं तो वाल टेढ़ा हो जाएगा। अगर वाल टेढ़ा नहीं भी होगा तो माइलेज बाइक का कम हो जाता है और गाड़ी फुल रेस नहीं पकड़ेगी, इसलिए टाइमिंग का जो है ध्यान रखें। अब जो है गाइस, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप चाहे फुल रेस देकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं साउंड सुनाता हूं, बिल्कुल ही मस्त साउंड हो गया, बहुत ही अच्छा साउंड हो गया। जब भी गाड़ी झरझर की साउंड करे तो गाइस इसी तरीके से आपको काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।